तो बच्चों करते हैं 14 क्वेश्चन, और ये कह रहा है फ्रॉम द बोर्ड, यहाँ पे मैं एक बोर्ड बना लेता हूँ, ऐसे छोटी सी एक बोर्ड बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये बोट है, ठीक है, ऐसे करके ये बोट है। फ्रॉम द बोट 30 मीटर अवे फ्रॉम ए वर्टिकल क्लिफ, यहाँ से बोट की, यहाँ पे एक वर्टिकल क्लिफ है, मतलब एक चोटी टाइप की है ऐसे कर कर, ठीक है, यहाँ से चोटी कितना दूर है, एक पहाड़ टाइप का है, क्लिफ टाइप का, कितना दूर है बोट से, 300 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप एंड, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ टू द बोट इज व्हाट, कितना है, अच्छा टॉप एंड द फुट ऑफ ए वर्टिकल कॉन्क्रीट पिलर, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहीं पे ना क्लिफ के ऊपर एक कॉन्क्रीट पिलर लगा दिया, एक पोल बना दिया, पोल लगा दिया इसी के ऊपर, ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर एक पोल बना दिया, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन पड़ रहा है इसके बोट पे, तो देखो एक तो यहाँ से पड़ रहा है और एक पड़ रहा है यहाँ से, ठीक है। अब देखिए दोनों के केस पे क्या होगा, ध्यान से देखिए, दोनों का केस में अलग अलग आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक क्लिफ टाइप का है, ठीक है, क्लिफ बना देता हूँ मैं, ऐसे क्लिफ टाइप का है, ठीक है, तो ये एक ऐसा केस बन चुका है कि भाई क्लिफ के ऊपर एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, और दोनों से एंगल ऑफ एलिवेशन बोट पे पड़ रहा है, ठीक है जी। बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ए पिलर, इसकी हाइट निकालनी है मुझे, इस पिलर की, इस पिलर की, तो मैं इसको ए बी सी और डी दे देता हूँ, ठीक है, तो मुझे इसकी हाइट निकालनी है, इसको मैं एक्स ले लेता हूँ ना, इसकी हाइट निकाल लेता हूँ, मैं इसको एक्स ले लेता हूँ, ठीक है जी, चलो इसको करते हैं अब, ठीक है। और यहाँ पे मुझे एंगल ऑफ एलिवेशंस भी दे रखे हैं, तो काफ़ी इजी हो जाएगा अब तो ये, चलो करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हमें कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि बच्चों आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे कौन सा लगाऊँ, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, एक दीवार है, यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, यहाँ पे एक लड़का है, अब ध्यान से देखिए, ठीक है, अब अगर ये लड़का इधर देख रहा है और फिर ये इस यहाँ पे देख रहा है, ये बिल्डिंग है बहुत बड़ी, सपोज कर लो यहाँ पे देख रहा है और फिर यहीं से लड़का यहाँ पे देख रहा है, तो इन दोनों में कौन सा एंगल बड़ा होगा, ये वाला एंगल बड़ा होगा जो दूर देख रहा होगा, और ये वाला एंगल, पास वाला एंगल छोटा होगा, राइट। तो देखो ये वाला एंगल कितना होने वाला है, 554 डिग्री एंड 20 मिनट, और ये पूरा बड़ा वाला एंगल, ये वाला, ये पूरा बड़ा वाला एंगल होने वाला है, जो कि होने वाला है 54 डिग्री 20 मिनट। तो देखो इसको ना मैं अलग अलग सेपरेट करता हूँ ताकि आपको टेंशन और कन्फ्यूजन ना हो दोनों ही, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वाला पार्ट मैं कर लेता हूँ, जो सिर्फ क्लिफ वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे बोर्ड थी, मैंने नाम दे रखे थे सी बी डी, लेता हूँ मैं इन ट्राइंगल सी बी डी मैं ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये कितना है, 54 डिग्री एंड 20 मिनट, ठीक है, तो ये 54 डिग्री एंड 20 मिनट्स है। तो देखिए अब मैं करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 300 मीटर। तो देखिए यहाँ से अगर मैं इसको एक ऐसे तीर मारूँ तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा 10। तो यहाँ देखिए मैं लिखता हूँ 10 थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच इज़ परपेंडिकुलर को मैं पी रहने देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और बेस कितना है मेरे पे 300, और 10 थीटा यहाँ पे अब मैं लिख लेता हूँ 10 54 डिग्री एंड 20 मिनट इक्वल्स टू पी अपॉन 300। तो बच्चों अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको लॉग टेबल में देखना पड़ेगा, चलो देखते हैं। तो बच्चों अब देखिए 10 54 डिग्री एंड 20 मिनट्स, अब 20 मिनट्स तो यहाँ पे है नहीं पीछे, तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 10 54 डिग्री एंड 18 मिनट में लेता हूँ, फिर मैं क्या करूँगा फर्दर 2 मिनट ऐड कर दूंगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे 10 54 डिग्री एंड 18 मिनट मैं देखता हूँ यहाँ पे कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे मैं देखता हूँ 54 डिग्री, देखो 54 डिग्री में 1 पॉइंट ये, और 18 18 मिनट, देखिए 18 मिनट है, तो 18 मिनट में होगा 1.3916, देखो 1 पॉइंट है ना, 1 पॉइंट है, और पॉइंट के बाद सिर्फ पॉइंट पॉइंट वाले दे रखे हैं, तो देखो इसकी जो वैल्यू है 18 मिनट, 54 डिग्री एंड 18 मिनट की है 1.3916। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसकी वैल्यू
तो ये हो जाने वाली है बच्चों 1.3916। ठीक है, अब क्या है बच्चों इसमें ना, देखो 8 मुझे 20 20 क्या चाहिए था, मिनट चाहिए था। इसमें 2 मिनट में और जोड़ता हूँ, प्लस 2 मिनट में देखता हूँ कहाँ पे है ये, 54 था यहाँ पे, 2 मिनट यहाँ पे कितना है, 17 है, तो मैं इस पे 17 जोड़ देता हूँ। तो बच्चों इस पे मैं 17 जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 1.3933। ठीक है, तो ये मेरे पे आ गया बच्चों, ये क्या आ गया मेरे पे, ये आ गया मेरे पे 10:54° एंड 20 मिनट। तो देखिए बच्चों ये मेरे पे आ चुका है, अब मैं इसको क्वेश्चन में रखता हूँ। चलिए जी इसको रखा जाए क्वेश्चन में, क्या दिक्कत है। तो मैं पेपर लेकर आता हूँ और ये मेरा तो 10:54° एंड 20 मिनट अभी मैंने निकाल लिया, अब आगे करता हूँ मैं। तो इसको अब सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ये आ जाएगा कितना, जो हमने निकाला 1.3933 इक्वल्स टू P/300। 300 को मैं इधर फेंकता हूँ बच्चों, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर की जो मेरे पे परपेंडिकुलर जो मेरे पे आने वाला है वो आ जाएगा बच्चों मेरे पे 417.99 मीटर। तो ये मेरे पे आ गया परपेंडिकुलर। ठीक है जी, ओके जी। तो देखिए यहाँ से इसका ये वाला पार्ट, अब यहाँ पे मेरे पे ये वाला पार्ट मेरे पे आ चुका है, ये कितना है बच्चों, ये आया मेरे पे 417.99। ठीक है, अब मुझे क्या करना है बच्चों, अब मुझे ये वाला पार्ट भी निकालना है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, देखिए तो मैं इसको लेता हूँ, इस पूरे को लूँगा 54.20 को, इसमें ये और ये पूरा दोनों आएगा। तो देखो मैं यहाँ पे एक और डायग्राम बना देता हूँ, ये क्लिफ, ये देखो यहाँ पे ये क्लिफ था और इसके ऊपर क्या था, ये टावर था, कंक्रीट पिलर। ठीक है, और यहाँ से अब बोर्ड का है, इस पूरे का लेता हूँ तो ये हो जाएगा 54.20 मिनट। अब ध्यान से देखिए, ये तो मेरा निकल गया 417.99 प्लस यहाँ पे एक्स, तो इन ये इसकी हाइट क्या हो जाएगी, पूरा ये हो जाएगा ना, तो देखो परपेंडिकुलर हो जाएगी ये प्लस एक्स, और फिर मुझे क्या निकालना है बच्चों, और यहाँ पे बेस तो मेरे पे है ही बस, मैं अब और ये सब चीज़ मेरे को गिवन है, तो मैं एक्स निकाल सकता हूँ आराम से इजीली। तो देखिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ फर्दर, तो देखिए तो अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो देखिए मैं आप दोबारा से एक बार मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे तो ऐसे कर कर रहे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ चुकी है 417.99 और यहाँ पे मैंने ये एक्स लिया था। ठीक है, अब ये पूरा एंगल कितना था, 54° 20 मिनट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए परपेंडिकुलर, तो मैं अब क्या लगा सकता हूँ इस पर बच्चों, 10 लगा सकता हूँ और बेस मुझे 300 गिवन ही है। तो देखो 10 थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर में तो ये पूरा ही आएगा ना, तो एक्स प्लस 417.99 अपॉन बेस है मेरे पे 300, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10 थीटा इक्वल्स टू एक्स प्लस 417.99 अपॉन 300, और 10 थीटा की जगह मैं क्या लिखूँगा बच्चों, 10:55°40′ इक्वल्स टू एक्स प्लस 417.99 अपॉन 300। बस आप इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो बच्चों अब ये वाला, इसको मैं लॉग टेबल से देखता हूँ, 10:55° एंड 40 मिनट्स को, तो देखिए 10 दिन की टेबल मैंने निकाल ली है, 55 देखिए, तो ये 10:55 मैंने निकाल लिया। ठीक है, और यहाँ पे तो बच्चों देखो 40 मिनट, यहाँ पर या तो मैं 36 ले सकता हूँ या तो मैं 42 ले सकता हूँ, तो एक काम करता हूँ मैं 42 लेता हूँ और उसमें मैं 2 मिनट माइनस कर दूंगा। तो देखो 55 कहाँ पे है, ये है 55, 55 से मैंने यहाँ पे ले लिया, देखिए ये है कितना, देखिए ये वाला 42 है ना, तो 4659, 46.4659। ठीक है, तो देखिए करते हैं इसको, 4659 याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे कितना था, 10:55° एंड 42 मिनट में था, 1.4659 है ना, यही था, मैं एक बार देख लेता हूँ, 4659 बिल्कुल सही। देखिए बच्चों ये आ चुका है मेरे पे कितना, 10:55 एंड 42 मिनट, पर मुझे ये तो नहीं चाहिए, मुझे तो कितना चाहिए था, 40 मिनट चाहिए था, तो मुझे 2 मिनट माइनस करने पड़ेंगे। तो देखो माइनस 1.4659 माइनस, अब देखो 2 मिनट कहाँ पे है, यहाँ पे 55 55 55 ये है,
यहाँ पे 2 मिनट देखिए, 18 है बच्चों, 18, 18 माइनस करना पड़ेगा इससे। तो बस मैं 18 में माइनस कर दूंगा, तो कितना आ रहा है बच्चों देखिए, ये आएगा आपका 1464, 1.4614 है ना, ये आ गया बच्चों मेरे पे कितना, 14641, ठीक है। तो ये मेरे पे आ गया, ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया मेरे पे 10:55°40', तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 1.4641 इक्वल्स टू, देखिए मैं यहाँ पे सीधे वैल्यू रख रहा हूँ, x प्लस 417.99 अपॉन 300। तो देखो इसको मैं इधर फेंकता हूँ, इसको मैं माइनस करता हूँ, तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, सीधे सीधे तो मेरे पे जो x की वैल्यू आने वाली है सीधे सीधे इस पे, तो x की वैल्यू मेरे पे कितनी आएगी, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो x आ जाएगी मेरे पे, ये हो जाएगा 1.4641 इंटू 300, और ये प्लस का था इधर आके फिर माइनस का हो जाएगा 417.99। तो मेरे पे कितना आ जाने वाला है बच्चों, इससे इससे आएगा मेरे पे 21.24 मीटर, ये मेरे पे एक्स आ गया। तो देखिए मैं अब वापस आ जाता हूँ क्वेश्चन में, काफ़ी कन्फ्यूजन सा लग रहा होगा आपको, पर बहुत इजी है ये, ठीक है। तो अब इस पे हम क्वेश्चन में आ जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आया मेरा 21.24 मीटर। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 21.24 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक 417.99। तो देखिए अब क्या बोल रहा, हाइट ऑफ द पिलर करेक्ट टू, हाइट ऑफ द पिलर निकालना था, अब पिलर तो यही है 21 पॉइंट, तो यही मेरा आंसर होगा बच्चों, सिंपल। तो चलो अब नेक्स्ट करते हैं।